आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने स्टीरियोकेमिस्ट्री में ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव टर्म को बहुत अच्छे से समझ लिया, जहां पर हमने अराउंड 100 क्वेश्चन से सारी की सारी बातें समझ चुकी हैं। अब उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। अब जो हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगला टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस। बात क्लियर है? अब स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस में आखिरकार क्या है, नाम में ही समझ में आ रहा है, वह रिलेशंस जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री से संबंध रखते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अगर हमें इस टॉपिक को समझना है तो थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा डेवलप करेंगे। हम जानेंगे कि आखिरकार स्टीरियो आइसोमर्स के टाइप्स किस तरीके से बताएंगे, उनके क्या क्या नाम होंगे, इन सब बातों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको मॉलिक्यूल दे देंगे 2, 3, 4 और बोलेंगे बताइए यह क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो हमारे पास जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, वह बेसिकली विद द हेल्प ऑफ मिरर इमेज बताए जाते हैं, मिरर इमेज। अब आपको ये बात एकदम अच्छे से पता है कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल है, या तो वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो सकता है या फिर वह एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं हो सकता है, या तो वह मिरर इमेज हो सकते हैं या फिर वह मिरर इमेज नहीं हो सकते हैं। बात क्लियर है? अगर वो मिरर इमेज होंगे तो उसमें भी दो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, या तो वह सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो सकता है, मैंने पढ़ाया था बहुत अच्छे से कि आखिरकार सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज क्या होती हैं, और या फिर वह नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो सकता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब बात को थोड़ा सा समझना, जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं आइडेंटिकल या फिर होमोमर्स। जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं आइडेंटिकल्स या फिर होमोमर्स, और जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती हैं उन्हीं को हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। आपने अगर इससे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा, आइसोमरिज्म तो पढ़ा ही होगा 11th 12th में, तो आपने एनेंशियोमर टर्म जरूर सुना होगा। तो ये सब आपके पास रिलेशंस में आ जाते हैं, स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस में आ जाते हैं, ठीक है। अब एक तरफ हम बात करते हैं, या तो फिर वो मिरर इमेज नहीं होंगी, और जो वो है मिरर इमेज नहीं होते हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग नाम देते हैं डायास्टीरियोमर्स। अब बात को थोड़ा ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो आपके पास कोई भी अगर स्टीरियो आइसोमर्स हैं, उसकी जो मिरर इमेज है या तो हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब यहाँ सवाल ये आ रहा होगा, सर यदि वो मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर्स का मतलब जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं वो आपस में मिरर इमेज नहीं होते तो उनको हम आइसोमर कह सकते हैं। तो मैंने ये बोला है हम स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स डायस्टीरियोमर्स हम नहीं सोचेंगे। एक्चुअली होता ना, कभी कभी दिमाग हमारे आ जाता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं जो मिरर इमेज होते हैं उसकी केमिस्ट्री हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो मिरर इमेज नहीं होते हैं। तो आपका सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसे तो हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर भी मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, तो इसका मतलब वो भी डायस्टीरियोमर होने चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बता दिया यह स्टीरियोकेमिकल रिलेशन है, यह आइसोमेरिक रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहली बात, एक अगर मैं पहला स्टेटमेंट लिखता हूं, डायास्टीरियोमर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स को ही हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। डायास्टीरियोमर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है।
दूसरी बात, तो आखिरकार सर होते क्या हैं, थोड़ा सा आइडिया दे दो। वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम लोग डिटेल में एनेंशियोमर्स पढ़ेंगे, डिटेल में डायस्टोमर्स पढ़ेंगे, और जो मैं आपको बताऊंगा स्टीरियोकेमिकल रिएक्शन सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। आर स्टीरियो आइसोमर्स, डायस्टोमर्स क्या होते हैं, आर स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। क्लियर हुआ, यह वह स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे विच आर नॉट एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं। एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं लेकिन कैसी, नॉन सुपरइम्पोजिबल। एक तीसरी बात इसमें और जोड़ देते हैं, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोले तो सिस्ट्रांस आइसोमर, इसी को हम बोलते हैं सिस्ट्रांस आइसोमर, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस्ट्रांस आइसोमर आर डायास्ट्रो आइसोमर्स। जितने भी मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ाए हैं, जितने भी मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स दिए थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, वो सभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायास्ट्रोमर्स होते हैं। कैसे, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स स्ट्रो आइसोमर्स होते हैं और यह ऐसे स्ट्रो आइसोमर्स होंगे जो आपस में मिरर इमेज नहीं होंगे। एग्जाम्पल ले लो, एक सिस है और एक ट्रांस है, तो सिस कभी भी ट्रांस की मिरर इमेज नहीं होती है। ये इतना सा आपको थोड़ा सा आइडिया स्टार्टिंग में होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस पे, तो आखिरकार हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोकेमिकल रिलेशन, पॉइंट को समझिएगा। सबसे पहला आपके पास होता है एनेंशियोमर, सबसे पहले आपके पास क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स। दूसरे आपके पास होते हैं डायास्टीरियो आइसोमर्स। पहला है एनेंशियोमर्स, दूसरा है डायास्टीरियो आइसोमर्स, जो तीसरा आपके पास होता है वह होता है मीजो कंपाउंड्स। ये भी एक खास रिलेशन होता है जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीजो कंपाउंड्स अपने आप में क्या है, एक एब्सोल्यूट रिलेशन है, अकेला रिलेशन है। एनेंशियोमर और डायास्टीरियोमर कैसे होते हैं, रिलेटिव होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होते हैं, ठीक है। फोर्थ हमारे पास होता है आइडेंटिकल, या फिर आप इसी को कहते हो होमोमर्स। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ रही है, मतलब हमें स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस में जिन टॉपिक के बारे में पढ़ना है, जिन टॉपिक पे हमें बातें करनी है, वो है एनेंशियोमर्स। सबसे पहले हमें एनेंशियोमर्स की बातें करनी है, क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, क्या इनको हम किसी तरीके से सेपरेट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ये बहुत सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपके पास है डायस्ट्रो आइसोमर्स, फिर है आपके पास मीजो कंपाउंड्स, और फिर है आइडेंटिकल और होमोमर्स, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है। इम्पोर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं, लेकिन जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो एनेंशियोमर्स पे ही ध्यान देना है। अगर आपको एक बार एनेंशियोमर्स का फंडा समझ में आ जाएगा तो आप धीमे धीमे डायस्टोमर्स को भी समझ जाओगे, मीजो कंपाउंड्स को भी समझ जाओगे, और आइडेंटिकल होमोमर्स को समझने में बहुत आसानी रहेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, और हम लोग सबसे पहले एनेंशियोमर्स से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एनेंशियोमर्स से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, वह क्वेश्चन होगा कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर है और कौन सा स्टीरियो आइसोमर है। अगर हमें यही नहीं पता तो हम स्टीरियोकेमिकल रिलेशन किस तरीके से देंगे, क्योंकि जो स्टीरियोकेमिकल रिलेशन होते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए दिए जाते हैं, ना कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए। बात समझ में आ रही है मेरी। सबसे पहले हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमें स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन से मॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, कौन से मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमर हैं, उन सब पे हम बात करते हैं, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एनेंशियोमर्स टॉपिक के साथ।
तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, हम लोगों ने अभी तक स्टीरियोकेमिकल रिलेशंस की बातें नहीं की हैं स्टार्ट, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने इतना सारा आइसोमेरिज्म का पूरा पार्ट कवर कर चुका है, जहां पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इनमें आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन है और स्टीरियो आइसोमर कौन है। तो सवाल है आपका, आपको बताना है इन सभी मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चरल आइसोमर कौन सा है एंड स्टीरियो आइसोमर कौन सा है। क्योंकि जब आप ये वाला सवाल कर पाओगे तब जाके आपको स्टीरियो केमिकल रिलेशन समझ में आना शुरू होंगे, क्योंकि स्टीरियो केमिकल रिलेशन के लिए आपको कम से कम ये पता होना चाहिए स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, हमें स्टीरियो आइसोमर्स में रिलेशन देना होता है। तो सबसे पहला सवाल आप देखो, आपको ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जहां पर आपके सामने सबसे पहला है कि फर्स्ट और सेकेंड मॉलिक्यूल आपस में क्या है। अब जरा ध्यान से समझना, आपको पता है जो स्ट्रक्चरल आइसोमर टर्म है वो किससे रिलेटेड है, कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। कनेक्टिविटी जहां पर डिफरेंट होगी इसका मतलब है क्या होगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, जहां पर कनेक्टिविटी सेम होती है लेकिन ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। अब अगर आप मॉलिक्यूल में देखोगे तो यहां पर एम ई है, एम ई के साथ कार्बन है और कार्बन पे बी आर लगा है, एच लगा है। आप इस तरफ भी देखोगे तो यहां पर एम ई है, यहां पर कार्बन है, लेकिन यहां पर सी एल लगा है, एच लगा है। क्या आपको कनेक्टिविटी डिफरेंस समझ में आया? ये एम ई जिस कार्बन से जुड़ा है वो बी आर और एच से जुड़ा है, ये एम ई जिस कार्बन से जुड़ा है वो सी एल और एच से जुड़ा है। ऐसे यहां पर बात करते हैं, ये पी एच जिस कार्बन से जुड़ा है वहां पर सी एल एच जुड़ा है, ये पी एच जिस कार्बन जुड़ा है वहां पर बी आर और एच जुड़ा है। तो हम बोलेंगे फर्स्ट और सेकेंड मॉलिक्यूल में कनेक्टिविटी का डिफरेंस है, जिसकी वजह से हम इसको नाम दे देंगे कि यह हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्या आपको ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर है। बोलिए समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट और थर्ड की बात करता हूं, जरा ध्यान से देखना, यहां पर एम ई है, एम ई से जो कार्बन है बी आर और एच, यहां पर एम ई है, एम ई जो कार्बन है उस पर बी आर और एच है, तो वही एटम्स ना। यहां पर पी एच है, पी एच से जो कार्बन है सी एल एच है, पी एच, पी एच से जो कार्बन है सी एल एच। इसका मतलब यहां पर कनेक्टिविटी सेम है लेकिन ओरिएंटेशन का डिफरेंस रहा होगा, जिसकी वजह से हम इसको क्या कह देंगे, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर, क्या आपको फर्स्ट और थर्ड समझ में आ चुका है? ऐसे ही फर्स्ट और फोर्थ की बात कर लो, फिर से समझो। यहाँ पर एम ई है, एम ई से कार्बन पर बी आर और एच है, यहाँ पर एम ई है, एम ई कार्बन से बी आर और एच है, यहाँ पर पी एच है, पी एच से कार्बन सी एल एच है, यहाँ पर पी एच है, पी एच से कार्बन सी एल एच है। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि यहाँ पर भी कनेक्टिविटी क्या है, सेम। मैं जहाँ जहाँ पर स्टीरियो आइसोमर लिख रहा हूँ समझ जाना, कनेक्टिविटी का सेम रहा होगा लेकिन ओरिएंटेशन में डिफरेंस रहा होगा। ओरिएंटेशन का डिफरेंस इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, इसी के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा ऑप्टिकल आइसोमर बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, जहां पर आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम सेकंड और थर्ड की बात करते हैं, ये आपके पास सेकंड मॉलिक्यूल है और ये थर्ड है। चलो सेकंड देखते हैं, यहां पर एम ई से कार्बन है CLH, यहां पर एम ई से BRH, देखो डिफरेंस आ रहा है, पीएच से BRH, पीएच से CLH। इसका मतलब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ये आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर है। थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं, थर्ड और फोर्थ में देखो, एम ई से कार्बन है BRH, एम ई से कार्बन है BRH, पीएच से CLH, पीएच से CLH। इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें, स्टीरियो आइसोमर। उम्मीद करता हूं आपको इस सवाल से ये जरूर अच्छे से समझ में आया होगा कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर है और कौन सा स्टीरियो आइसोमर है। इनके लिए आपको हमेशा देखना होता है, स्टीरियो आइसोमर्स के लिए जो आपको बात ध्यान रखनी होगी वो क्या रखनी होगी, कनेक्टिविटी क्या होती है, सेम। कनेक्टिविटी सेम लेकिन ओरिएंटेशन क्या होता है, डिफरेंट। ओरिएंटेशन डिफरेंट, यहाँ पर क्या होता है, कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है। तो ये पहला सवाल मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, कौन से स्टीरियो आइसोमर होते हैं। अब ये बात आपको इस एग्जांपल से एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्टीरियो केमिकल रिलेशन, जिसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाइसोमर। सबसे पहले हेडिंग है हमारी स्टीरियो केमिकल रिलेशन में, इसका नाम है हमारे पास एनाइसोमर। अब देखो, इस एनाइसोमर वाले टॉपिक को मैं आपको एग्जांपल से समझाना शुरू करूंगा। मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूंगा और आपको बताऊंगा ये एनाइसोमर्स हैं
और फिर हम इसकी डेफिनेशन को बनाएंगे। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ लैक्टिक एसिड का, COOH, यहाँ पर आपके पास OH, यहाँ पर H, यहाँ पर आपके पास CH2OH। और अगर मैं यहाँ पर एक मिरर लगाता हूँ इस तरीके से, तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, यहाँ पर राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा, यहाँ पर COOH और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल है लैक्टिक एसिड का, नहीं मतलब मैं ऐसे रैंडमली एग्जांपल उठा रहा हूँ वाला। तो इसमें जब आपने एग्जांपल लिया, तो इस एग्जांपल में क्या है, ये आपके पास अगर एक मॉलिक्यूल है, तो उस मॉलिक्यूल एक मिरर इमेज है, मतलब इस मॉलिक्यूल की ये क्या है, मिरर इमेज है। और अब मेरा सवाल ये है कि यदि इस मॉलिक्यूल की ये मिरर इमेज है, तो यह मिरर इमेज किस तरीके की है, सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर आप जरा ध्यान से देखोगे दोनों मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, एक एसिमेट्रिक सेंटर है। और हमें अच्छे से पता है, जब भी हमारे पास एक इकलौता एसिमेट्रिक सेंटर होता है, तो उसकी मिरर इमेज हमेशा कैसी होती है, बोलिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल। या फिर आप इसमें चेक कर सकते हो POS, COS, AOS, जो कि इसमें एब्सेंट मिलेगी, तो इसीलिए हम बोल देंगे यहाँ पर हमारी मिरर इमेज कैसी होगी, नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल। बस बात खत्म हो चुकी, इतनी सी बात है। इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एनाइशोमर्स, मतलब जो भी ये मॉलिक्यूल की मिरर इमेज के साथ है, इन्हीं को हम नाम देते हैं एनाइशोमर्स। तो अगर मैं डेफिनेशन ऑफ एनाइशोमर की बात करता हूं, कि आखिरकार हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, तो ध्यान समझना, हम बोलेंगे दीस आर द स्टीरियो आइसोमर्स, दीस आर द स्टीरियो आइसोमर्स और मॉलिक्यूल हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एंड दिस प्रॉपर्टी is known as enantiomerism. इतनी सी बस बात आपको समझनी है। दुनिया का हर एक मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल रही होगी, इसका मतलब वह एनाइशोमर कहलाएगा। तो मैंने ये लिखा है, दीस आर द स्टीरियो आइसोमर्स और मॉलिक्यूल विच हैविंग नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एनाइशोमेरिज्म। तो अगर हमने पूछा जाए इसमें रिलेशन क्या है, तो हम बोलेंगे इसमें रिलेशन है कि यह मॉलिक्यूल आपस में क्या है, ये मॉलिक्यूल आपस में एनाइशोमर्स हैं। बोलिए, क्या क्लैरिटी आई थोड़ी सी। अब अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, ऑल काइरल मॉलिक्यूल, ऑल काइरल मॉलिक्यूल आर ऑलवेज एनाइशोमर, ऑल काइरल मॉलिक्यूल आर ऑलवेज एनाइशोमर। इस पॉइंट को आप याद कर लेना, दुनिया के जितने भी काइरल मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा एनाइशोमर होते हैं। कैसे, इसको कैसे समझेंगे, जो भी काइरल मॉलिक्यूल होगा वो किस वजह से होगा, क्योंकि उसमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रही होगी, और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, इसका मतलब है क्या होता है, एनाइशोमर होता है। इसीलिए दुनिया के जितने भी काइरल मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाले, जिसकी वजह से वह एनाइशोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या आपको एनाइशोमर की सबसे पहले डेफिनेशन पार्ट क्लियर हुआ। एनाइशोमर, अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे एनाइशोमर क्या होता है, तो आप क्या डिफाइन करोगे, यह वह मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट यह है, हमेशा जितने भी काइरल मॉलिक्यूल होते हैं, इसको आप अंडरलाइन लगा लो अच्छे से, जितने भी काइरल मॉलिक्यूल होंगे दुनिया में, वो सभी क्या होंगे,
एनाइशियोमर होंगे। अब एक बात और समझो, वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लो, वो हमेशा एनाइशियोमर होगा, वशर्ते उसकी मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजिबल होनी चाहिए। इस लाइन को आप लिख लो, क्लैरिटी लाने के लिए इस लाइन को लिखो, वर्ल्ड के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो हमेशा एनाइशियोमर कहला सकते हैं या कह सकते हैं, बशर्ते उनमें नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। मतलब उनकी जो मिरर इमेज है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल होनी चाहिए। अब ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट। अब सवाल ये है कि सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा एनाइशियोमर है और कौन सा एनाइशियोमर नहीं है। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले हम सीखते हैं कि एनाइशियोमर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनाइशियोमर्स की बात करेंगे। तो हम लोगों ने सबसे पहले बात स्टार्ट कर चुकी है एनाइशियोमर्स की। एक बार फिर से हम चीज़ों को समराइज करते हैं। अभी तक हमने एनाइशियोमर के बारे में क्या सीखा, हमने एनाइशियोमर्स के बारे में अभी तक दो बातें सीखी हैं। सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या सीखी कि जो एनाइशियोमर्स होते हैं उनकी मिरर इमेज कैसी होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। और दूसरी बात हमने क्या सीखी, जो भी आपके पास काइरल मॉलिक्यूल होते हैं वह हमेशा क्या होते हैं, एनाइशियोमर्स होते हैं। इतनी बातें अभी तक हमने सीखी हैं। अब हम ये सीखने जा रहे हैं हाउ टू आइडेंटिफाई एनाइशियोमर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई एनाइशियोमर्स। और ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इसलिए है क्योंकि यहीं से आपको समझ में आएगा कोई भी मॉलिक्यूल एनाइशियोमर क्यों है और कोई भी मॉलिक्यूल एनाइशियोमर कैसे, मतलब किस तरीके से। आपको जो पेपर में पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा, दो मॉलिक्यूल दे देंगे, बोलेंगे कि रिलेशन क्या है इनके बीच का, तो वो रिलेशन बताने के लिए आपको तरीका तो पता होना चाहिए किस तरीके से एनाइशियोमर को आप आइडेंटिफाई करोगे। तो एनाइशियोमर को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेज, जो अभी अभी हम सीख रहे हैं, हमने पहला एग्जाम्पल भी अभी भी लिया, ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेज, ठीक है। और जो दूसरा तरीका जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की तरह काम करेगा अगर इसको बहुत ही सावधानी से अप्लाई किया जाए, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ RS नॉमनक्लेचर या फिर RS नेमिंग। अब इस बात को समझते हैं कि RS नेमिंग के बेसिस पर किस तरीके से कोई एनाइशियोमर होता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने और वो एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल होगा। ये एग्जाम्पल है CHO OH और यहां पर CH2OH। ऐसे ही अगर मैं यहां पढ़ लेता हूं CHO, इसका मिरर इमेज बनाता हूं मैं इसका ना, तो इसका मिरर इमेज जैसे ही हुआ राइट का लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट का राइट हो जाएगा। ये इसका आपने क्या बना दिया, मिरर इमेज बना दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये एनाइशियोमर है या नहीं है इसको आप ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेज चेक कर सकते हो। कैसे, आप इसमें POS COS वगैरह निकाल लो। तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ मिरर इमेज बात करूंगा तो इसका मतलब यहां पर आप क्या चेक करोगे, नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी। और यदि वहां पर आपके पास नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आ चुकी है तो वह कैसे होंगे एनाइशियोमर। और नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी को चेक करने का तरीका हमारे पास क्या था, सिमेट्री एलिमेंट। यदि हमारे पास जो सिमेट्री एलिमेंट है वो एब्सेंट है, इसका मतलब वहां पर वह कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा, इसका मतलब वहां पर वह एनाइशियोमर होंगे। ये तो बहुत आसान तरीका है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ आर एस नॉमनक्लेचर कैसे करेंगे, मान लो अगर ये हमारे पास क्या है, आर है, और ये हमारे पास क्या है, एस है। इसको मैं वन कहूंगा तो इसको मैं नंबर टू कार्बन, इसको मैं नंबर थ्री कार्बन, इसको मैं नंबर फोर कार्बन, तो मैं बोलूंगा टू पर आर है और थ्री पर एस है। बात समझ रहे हो क्या, ऐसे ही मैं नंबरिंग यहां पर भी करूंगा 1 2 3 4। तो अब जो यहां पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन एटम है, मतलब
इस टू के सामने वाला टू, मतलब इस टू के सामने वाला टू जस्ट अपोजिट, इस थ्री के सामने वाला थ्री जस्ट अपोजिट, तो यहां पर जो आपके पास कॉन्फिगरेशन आएगी ये कैसी आनी चाहिए S, और ये कैसी आनी चाहिए R। मतलब मैं ये बोल रहा हूं यहां पर आना चाहिए 2S और यहां पर आना चाहिए 3R, और जो कि आता भी है जब, मतलब समझो फिर से, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है अगर आप उसकी RS नेमिंग कर रहे हो, आपने RS नेमिंग कर ली, अब जब उसी ही मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कार्बन एटम्स होंगे उस पर अगर अपोजिट कॉन्फिग्रेशन आ जाए तो समझ जाना वहां पर वह एनेंशियोमर है, और अगर ना आए तो इसका मतलब एनेंशियोमर नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नॉमेनक्लेचर हम बताते हैं, अपोजिट कॉन्फिग्रेशन आनी चाहिए, अपोजिट कॉन्फिग्रेशन आनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना है कोरोस्पोंडिंग कार्बन एटम पर। अगर इस कार्बन का हम कंपेयर करेंगे इस कार्बन के साथ, इस कार्बन का हम कंपेयर करेंगे इस कार्बन के साथ, तो हम बोल सकते हैं यह दोनों आपस में क्या है, एनेंशियोमर्स हैं। क्या आपको दोनों ही तरीकों से बातें समझ में आ रही है? अब मैं यहां पर क्या करता हूं, एक पूरा का पूरा चार्ट बना देता हूं और उस चार्ट में आपको समझाता हूं। एक तरफ तो मैं लिखता हूं यहां पर क्या लिखता हूं, कायरल सेंटर इन मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल में कितने कायरल सेंटर हैं। यहां पर मैं लिखता हूं ए मॉलिक्यूल और यहां पर मैं लिखता हूं बी मॉलिक्यूल, और ए और बी आपस में क्या है, मिरर इमेज होंगी। अब अगर मैं इसमें एग्जांपल लेता हूं, तो सबसे पहला एग्जांपल है यदि आपके पास वन कायरल सेंटर है, तो वन कायरल सेंटर में यदि ए में आर आ रहा है तो बी में पक्की बात है क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। मतलब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलना चाहिए, मतलब अपोजिट कॉन्फिगरेशन देखने को मिलनी चाहिए। यदि आपके पास दो कायरल सेंटर हैं, इसको R का S आ रहा है और S का क्या आना चाहिए, R आना चाहिए। मतलब यही पॉसिबिलिटी हो सकती है एक कायरल सेंटर के साथ, या तो R होगा या फिर S होगा। यदि दो कायरल सेंटर हैं तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो R R हो सकता है, या तो R S हो सकता है, या फिर S S हो सकता है, है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी एस आर 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 तो बात, एस आर और आर एस तो बात देखिए, तो आर आर है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए आपके पास, एस एस होना चाहिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, एस आर होना चाहिए, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, आर आर होना चाहिए। बोलिए क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है, जस्ट अपोजिट कॉन्फिग्रेशन आनी चाहिए, बस इतनी सी बात मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड वाले की बात करता हूं, तो थर्ड वाले में ये दो कार्य सेंटर थे, यहां पर तीन कार्य सेंटर की बात कर रहे हैं, तो या तो पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है ट्रिपल आर, या फिर हो सकती है आर आर एस, या फिर आप ले लो आर एस एस, या फिर आप ले लो ट्रिपल एस, इस तरीके से, है ना, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कायरल सेंटर्स की। तो अगर मैं जस्ट इसके अपोजिट पे चेक करूंगा, तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रिपल एस होना चाहिए, यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, एस एस आर होना चाहिए, यहां पर आपके पास एस आर आर होना चाहिए, और यहां पर आपके पास आर 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 होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम बोलेंगे यह दोनों आपस में क्या है, यह दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं। यदि आपको वहां पर अपोजिट कॉन्फिगरेशन देखने को मिल रही है तो हम हमेशा बोलेंगे कि वह कैसे होंगे, एनेंशियोमर्स होंगे। तो इस तरीके से आप ऑन द बेसिस ऑफ या विद द हेल्प ऑफ आरएस नेमिंग आसानी से बता सकते हो कोई भी मॉलिक्यूल एनेंशियोमर है या एनेंशियोमर नहीं है। बोलिए क्या आपको बात समझ में आ रही है, चीजें बहुत कम पढ़नी है लेकिन टू द पॉइंट पढ़नी है। सबसे पहले हमने डेफिनेशन पढ़ा, डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल को ही हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर्स कहते हैं। जितने भी कायरल मॉलिक्यूल होते हैं वो एनेंशियोमर होते हैं। अब सवाल आता है कि हम एनेंशियोमर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो दो तरीके होते हैं। एक तो आप वहां पर मिरर इमेज चेक कर लो, यदि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है इसका मतलब है एनेंशियोमर है। लेकिन कभी कभी होता है कि हम मिरर इमेज नहीं चेक कर पाते हैं, बहुत सारी वजह होती है, हमें POS वगैरह COS वगैरह में निकालने में दिक्कतें होती हैं, तब आप स्विच कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ RS नॉमेनक्लेचर या
आरएस नेमिंग। अगर आपके कोरस्पोंडिंग सेंटर पे अपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है 100% अपोजिट, मतलब आर है तो एस, एस है तो आर, आर आर है तो एस एस, एस एस है तो आर आर, अगर ऐसा आ रहा है तो समझ जाइएगा वह कैसे हैं, एनेंशियमर हैं। तो मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि यदि जब भी आप आरएस नेमिंग से करोगे तो गलतियां कहां पर होती हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर हमने जो अभी सीखा है ऑन द बेसिस ऑफ आरएस नेमिंग किस तरीके से कोई मॉलिक्यूल एनेंशियमर बताएंगे होगा या नहीं होगा। देखो ये एग्जांपल आपका पहला OH H और फाइनली यहां पर क्या है CH2OH। ठीक है, ये आपके पास एग्जांपल नंबर वन है। अब अगर मैं इसकी एक मिरर इमेज बनाता हूं, ठीक है, तो यहां पर आपके पास कैसा हो जाएगा OH H ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। अब हम रीचेक करते हैं क्या वो हमारा कॉन्सेप्ट सही है या गलत है। देखो अगर मैं इन सभी पर आरएस नेमिंग करता हूं, इन सभी पर, तो याद करो मैंने आपको ग्लिसरल्डिहाइड के केस में एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी आरएस की कि यदि OH आपके राइट साइड में है तो यहां पर क्या हो जाएगा आर, यहां पर क्या हो जाएगा एस, यहां पर आर और यहां पर आर। जब आप आरएस नेमिंग निकालोगे भी तो आपका यही बैठेगा, क्लियर है। मैंने ग्लिसरल्डिहाइड के टाइम आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यदि आपका OH राइट साइड में है तो R, लेफ्ट साइड में है तो S, इस तरीके से होगा। तो ये ग्लिसरल्डिहाइड का एक बड़ा पार्ट है, एक्सटेंड कर दिया गया बीच में कार्बन डाल के, यही बात है। अब अगर आप इस तरफ देखोगे तो इसके कोरस्पोंडिंग सेंटर पे जाओ, यहां पर इन सभी के कोरस्पोंडिंग सेंटर पे आपको देखना है। यदि आपको 100% अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन चेंज नजर आ रहा है इसका मतलब यह एनेंशियमर है। चेक करते हैं, तो यहां पर देखो ये आपके लेफ्ट साइड में, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड का ही पार्ट एक तरीके से, लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा S, यहां पर क्या हो जाएगा राइट में है R, यहां पर S और यहां पर S। अब आप इसको चेक करो, R का S हो गया, S का R हो गया, R का S हो गया और R का S हो गया, मतलब यहां पर क्या हुआ है 100% अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है। और जब आपके पास 100% अपोजिट आरएस नेमिंग आ जाए तो समझ जाना वह मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, वह मॉलिक्यूल एनेंशियमर्स होते हैं। क्या आपको ये बात एकदम अच्छे से क्लियर हुई, बोलिए क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। तो थोड़ी सी खुशी होगी होगी आपको, चलो हमें सर ने एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें मॉलिक्यूल में नज़र नहीं आता, क्या नज़र नहीं आता, मिरर इमेज। एक मॉलिक्यूल आपके पास ये है और एक मॉलिक्यूल आपके पास ये है, अगर आप बनाओगे तो आपको इसका मिरर इमेज समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या बोला, जब जब आपको मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, आप चुपचाप से जितनी भी एसिमेट्रिक सेंटर हैं उस पर आरएस नेमिंग कर लो। मान लो हमारे पास सबसे पहले एसिमेट्रिक कौन कौन से हैं, एक तो एक एसिमेट्रिक सेंटर नंबर वन ये है, नंबर टू एसिमेट्रिक सेंटर ये है और नंबर थ्री एसिमेट्रिक सेंटर ये है। ऐसे ही यहाँ पर नंबर वन एसिमेट्रिक सेंटर ये है, नंबर टू एसिमेट्रिक सेंटर ये है और नंबर थ्री एसिमेट्रिक सेंटर ये है। अब आपको यहाँ पर मिरर इमेज समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पर आरएस नेमिंग कर लो। जब आप आरएस नेमिंग करोगे तो आप घर में देखना तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। वन पर आपके पास आर आएगा, टू पर आपके पास आर आएगा और थ्री पर आपके पास एस आएगा, इस वाले मॉलिक्यूल के लिए, इस वाले के लिए। मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है किस तरीके से कोई भी नॉन बॉन्डिंग सिस्टम होता है उसमें आरएस नेमिंग करते हैं, भूल तो नहीं गए ना, याद रखो, फिर से प्रैक्टिस करो उस चीज को। तो यहां पर जब देखा तो यहां पर वन पर आपके पास क्या आया एस आया, टू पर आपके पास क्या आया एस आया और थ्री पर आपके पास क्या आया आर आया। तो देखो R का जस्ट अपोजिट S आ रहा है, R का जस्ट अपोजिट S आ रहा है और S का जस्ट अपोजिट R आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 100% अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आया है, इसीलिए यह वाले मॉलिक्यूल भी कैसे हैं, एनेंशियमर हैं। तो बात मेरी समझ लो कि एकदम अच्छे से, बात सिंपल सी यही है, जब आपको मिरर इमेज समझ में ना आए कि वो है या नहीं है तो आप RS नेमिंग का सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर वन हो गया
एग्जाम्पल नंबर टू हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थ्री। तो एग्जाम्पल नंबर थ्री हमारे पास कुछ ऐसा है, OH, H, OH, H, CH3। इसकी अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं तो कैसा हो जाएगा, CH3, OH, H, OH, H और यहाँ पर CH3। फिर से हम RS नेमिंग करते हैं, तो अगर आप RS नेमिंग करोगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 है। तो 2 पर आपके पास S है और 3 पर आपके पास R है। एक बार निकाल के देख लीजिएगा, ये आ जाएगा। जब आप इसकी मिरर इमेज बना रहे हो तो जस्ट अपोजिट ही आएगा, क्योंकि मिरर इमेज हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग पर अपोजिट ही होता है। तो यहाँ पर 2 पर क्या जाएगा R और 3 पर क्या जाएगा S। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर भी आपके पास क्या है, 100% अपोजिट RS नेमिंग है। बिल्कुल मैं यही बोलूंगा। तो यहां पर ये क्या हो जाएंगे आपके पास, एनेंशियोमर। इस बार मैं ये नहीं बोलूंगा। अब यहां पे आके एकदम आप फंस गए। आप सोच रहे होगे सर आप तो एकदम बेसिक से पढ़ा रहे थे, आपने सब समझा दिया, लास्ट क्वेश्चन पे आपने अटका दिया, यहां से दिक्कत शुरू हो चुकी है। कैसी दिक्कत सर, अभी तक आपने बताया था कोई भी अगर मिरर इमेज बनाओ तो हमेशा अगर 100% अपोजिट RS नेमिंग आ जाए तो वो एनेंशियोमर होता है। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल, मैंने ये बताया था। सर इस मॉलिक्यूल में भी इसकी मिरर इमेज है, यहाँ पर भी 100% अपोजिट RS नेमिंग आ रही है, तो इसका मतलब सर ये एनेंशियोमर होना चाहिए। तो आप एक बार थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो ये दोनों कंपाउंड आपस में कैसे हैं, सुपर इम्पोजिबल हैं। अगर आप इसको विथ इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेट कर दोगे, किस तरीके से, अगर आप इसको इस तरीके से रोटेट कर दोगे तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोजिबल हो जाएगा। और हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था कि जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तो ये एनेंशियोमर नहीं है, ये आइडेंटिकल है। फिर से देखो, ध्यान से मॉलिक्यूल को देखो। तो हम यहाँ से एक नोट में बात लिख सकते हैं कि जो RS नेमिंग है केवल हमें है ना भटकाता है, केवल भटकाता है। अरे मानता हूं बहुत हद तक सवालों में जहां पर हम मिरर इमेज नहीं बता पा रहे वहां पे एनेंशियोमर बता देंगे, लेकिन आप खुद देखो इस मॉलिक्यूल को RS नेमिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमारा आंसर ही गलत आ जा रहा है। और एक क्वेश्चन गलत होना इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग तो अलग जाएगी ही जाएगी, आप रैंक में भी पीछे जाओगे। तो RS नेमिंग केवल भटकाता है, जो फर्स्ट डेफिनेशन है आपकी एनेंशियोमर की, फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ एनेंशियोमर इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जो पहली डेफिनेशन है आपके पास एनेंशियोमर की, वो पहली डेफिनेशन है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ही। RS नेमिंग का आप सहारा ले सकते हो, लेकिन अगर आप अपना पूरा का पूरा ध्यान RS नेमिंग पे लगा दो, जितने भी क्वेश्चन है उसको RS नेमिंग से करो, तो ऐसी गलतियां देखने को मिलेंगी। अगर आप इस मॉलिक्यूल को विथ इन द प्लेन 180 डिग्री रोटेट करोगे ऐसे, तो इस मॉलिक्यूल को फिर उठा के जब इस पर चिपकाओगे तो एज इट इज क्या कर जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है। तो आपको RS नेमिंग लगाना तो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं लगाना। सर फिर इस मॉलिक्यूल में क्या करेंगे, इसमें तो हमें मिरर इमेज ही समझ नहीं आ रही। तभी तो मैं बोल रहा हूँ जहां पर आपको मिरर इमेज समझ ना आए, जहां पर आपको मैक्सिमम चांसेस लेने ही पड़े, तब लास्ट में आप RS नेमिंग का सहारा लेना। नहीं तो उससे पहले आप मिरर इमेज वाले मेथड से ही जाना। फिर से सुनिए मेरी बात को ध्यान से। हमने एनेंशियोमर पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी, कायरल मॉलिक्यूल सारे एनेंशियोमर होते हैं, सारी बातें जानी। फिर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा हाउ टू आइडेंटिफाई एनेंशियोमर, जिसमें दो तरीके होते हैं, एक मिरर इमेज और एक RS नेमिंग। मैं ये बोल रहा हूँ सेकंड मेथड RS नेमिंग पे तब ही जाना जब आप मिरर इमेज में हर हालत में सवाल नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो आपके मैक्सिमम सवाल मिरर इमेज के तरीके से ही अगर होंगे तो गलतियां कम होंगी, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छा टाइम दिया है, 100 मॉलिक्यूल में समझाया है कौन सी मिरर इमेज है कौन सी नहीं। 100 मॉलिक्यूल 1000
हजार मॉलिक्यूल बन गए हैं यार, हजार से बहुत सारे मॉलिक्यूल बन चुके हैं। तो जब मैंने आपको अच्छा खासा उस टॉपिक पे टाइम बिताया ही है मिरर इमेज वाले पे, नॉन सुपरइम्पोजिबिलिटी पे, सुपरइम्पोजिबिलिटी पे, तो आप आरएस नेमिंग का साथ क्यों ले रहे हो? जब बहुत आपका एक मतलब तरह से क्या कह सकते हैं उसको, मजबूरी हो, अगर मजबूरी हो तब जाके आप आरएस नेमिंग का सहारा लेना, नहीं तो आपके इस तरह के क्वेश्चंस में गलतियां हो जाएंगी, आप जल्दबाजी में रहोगे, ट्रिक के चक्कर में रहोगे, तो फिर ऐसे मॉलिक्यूल को तो जो साफ साफ दिख रहा है कि आइडेंटिकल है, इसमें गलतियां कर दोगे। और मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो इन्हीं बातों में खो जाते हैं, और इसीलिए स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत टिपिकल पार्ट लगता है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन पढ़ने के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट कहां अप्लाई करना है, कहां पर अप्लाई नहीं करना है, ये बातें जानना बहुत जरूरी है, जो कि मैं आपको इस पर सिखाना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं आपको एनेंशियोमर की मेन बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनेंशियोमर्स।